नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड के लिए लगातार बुरी खबरें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो और लाल शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार देवभूमि के टिहरी निवासी सूबेदार अजय रौतेला और पौड़ी निवासी नायक हरेंद्र सिंह भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। सूबेदार अजय रौतेला और नायक हरेंद्र सिंह भी सेना के उस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे जिसमें गुरुवार को उत्तराखंड के दो जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान दोनों घायल हो गए थे और लापता भी हुए थे। मेंढर तहसील में भाटा डूड़िया के नाड़ घास जंगल से शनिवार शाम को शहीद अजय सिंह और हरेंद्र सिंह का शव निकाल लिया गया। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि 14 अक्टूबर को आतंकियों से भाटा डूड़िया के नाड़ घास जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। सूबेदार अजय सिंह और हरेंद्र सिंह से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच शनिवार की शाम को उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। शहादत की सूचना मिलने के बाद से ही दोनों जवानों के परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसर गया है। शहीद अजय सिंह के भाई दीपक रौतेला ने बताया कि 46 वर्षीय अजय रौतेला 17 गढ़वाल राइफल में थे और वर्तमान में RR-48 में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को ही उनके भाई अजय छुट्टी बिताकर जम्मू कश्मीर ड्यूटी पर गए थे। 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो जवान शहीद हुए थे। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन युगम्बर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहादत को प्राप्त हुए। शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी टिहरी जिले के रहने वाले थे और राइफलमैन युगम्बर सिंह चमोली जिले के रहने वाले थे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।